बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करेंगे नेचुरली। इस कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली इस चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लाइंट के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है जीएसटी को लेकर के। इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेज हम यूज करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे और जो सेंटेंसेज हैं इनके स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर को साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। इनके बेसिस पे एक दो सेंटेंसेज बनाते चलेंगे और इस सेंटेंस को कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है इंग्लिश में, वो भी समझते हुए चलेंगे। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे समझते हुए चलेंगे। ज्यादा कुछ होता नहीं है सीखने का, बस ये है कि ग्रामर मत सीखिए, बाकी सबको सीख जाएंगे आप। अगर आप ग्रामर के अंदर डीप डाइव करेंगे तो समझ लीजिए ग्रामर की तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जो आज तक पूरी किसी ने भी नहीं पढ़ी है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि सीए साहब, क्या मैं जीएसटी के दायरे में आता भी हूँ या नहीं? जैसे कि हर महीने वो मेरे से जीएसटी ले रहे हैं, अब बाद में मुझे पता चला उतनी तो मेरी इनकम भी नहीं है, इतना मेरा टर्नओवर भी नहीं है जितने का मैं जीएसटी भर के आता हूँ। तो अब मैंने वहां पर देखी प्रॉब्लम क्या आती है। सीए साहब, हमारा हिंदी मेन प्रॉब्लम है, हमारी हिंदी है ऊटपटांग। अब हम उसको लिटरल ऊटपटांग हिंदी को ट्रांसलेट करके एक अच्छे सेंसिबल सेंटेंस की उम्मीद करते हैं इंग्लिश में। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल ना। देखिए, सीए साहब का कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। हम हिंदी में एड्रेस कर पा रहे हैं सीए साहब को, सीए और सीए इंग्लिश का वर्ड है और साहब लगा दिया साथ में। लेकिन अगर मुझको सीए साहब को कहने हैं कि क्या मैं सच में जीएसटी के दायरे में आता भी हूँ या नहीं, तो यहाँ पर मैं सीए साहब का ट्रांसलेशन ना करके सिंपल या तो सर कह दूंगा, राइट, या फिर सीए का जो फर्स्ट नेम है वो कह दूंगा। जैसे कि हमारे सीए विरल रस्तोगी हैं, तो मैं कहूंगा सीए विरल। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर मैं नॉर्मल सर कह दूंगा, राइट। लास्ट नेम के साथ उसका जो आप सीए बोल रहे हैं, लास्ट नेम के साथ नहीं लगाएंगे। या फिर मैं मिस्टर रस्तोगी कह सकता हूँ, लास्ट नेम के साथ मिस्टर लगा दूंगा, मिस्टर रस्तोगी, या फिर सीए विरल। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो सीए वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट नेम के साथ हमेशा यूज करेंगे। अब हिंदी में हमने कह दिया सीए साहब, तो वो मिलान नहीं करना है। डू आई रियली फॉल इन दी कैटेगरी ऑफ जीएसटी पेयर्स? पूरा का पूरा हिंदी का सेंटेंस ऊटपटांग है। इसकी अगर गलतियां निकालने बैठेंगे तो आप कहेंगे आज तक हम बोल कैसे रहे थे, राइट। सो डू आई रियली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जीएसटी पेयर्स, यानी कि जो जीएसटी पे करते हैं मैं सच में उस कैटेगरी में आता भी हूं या नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके स्ट्रक्चर देखिएगा कितने तरीके से कह सकते हैं। तो आपने क्या कहा कि सर कह दीजिए आप, सीए साहब कहने की जरूरत एक्चुअल में होती भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर, डू आई रियली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जीएसटी पेयर्स? अब आप यहां पर लिटरल ट्रांसलेशन मत करिए, आप केवल उससे ये बात पूछना चाह रहे हैं कि मुझे सच में जीएसटी पे करना चाहिए, दायरे में आता हूं। अब फीलिंग समझिए, क्या मुझे सच में जीएसटी पे करना चाहिए? गेटिंग माई पॉइंट? अब इस बात को कहना शुरू करिए, आप भी अपने तरीके से बोल के देखिएगा। सी, डू आई रियली नीड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? घुमा के कह दिया आपने कि सच में जीएसटी की नंबर की जरूरत है। डू आई रियली नीड अ जीएसटी नंबर? आपने ऐसे कह दिया, तो कुल मिलाकर के जीएसटी नंबर लेकर के मुझे क्या पे करने की जरूरत है? गेटिंग माई पॉइंट? सिचुएशन को घुमा फिरा के बोलना ही पड़ेगा। 10% सेंटेंसेज हैं जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट हो जाएंगे। 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। सिचुएशन लो, घुमा फिरा के बोलो, 10 सेंटेंस बोलो। देख, इस तरीके से आपने कह दिया, डू आई रियली नीड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? क्या सच में जीएसटी की जरूरत है मुझे? इस तरीके से बोलिए, एम आई एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? एम आई एक्चुअली रिक्वायर्ड? अब होता क्या है, सुनते समय आप समझ रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, बोलते समय हमको पूरा का पूरा सही ग्रामर और वर्ड ऑर्डर यूज करना पड़ता है। जब हमने कहा एम आई एक्चुअली रिक्वायर्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ये घुमा फिरा के सेंटेंस कहा जा रहा है कि सच में ऐसा जरूरी है मेरे लिए लोगों के द्वारा कि मैं जीएसटी नंबर लूं। एम आई रियली रिक्वायर्ड? क्या मेरा जाना जरूरी है? गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा जीएसटी लेना जरूरी है क्या? मैं सपोज किया हुआ सपोज को भी यूज करते हैं। सो एम आई एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? आप इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं, एम आई एक्चुअली रिक्वायर्ड टू गेट अ जीएसटी नंबर? एम आई एक्चुअली रिक्वायर्ड टू टेक अ जीएसटी नंबर? राइट, सच में जीएसटी के नंबर की जरूरत है मुझे, राइट। अब इसी चीज को आप ऐसे बोल के देखिए, एम आई रियली सपोज टू पे जीएसटी? आपने कह दिया सच में जीएसटी पे करना चाहिए मुझे। एम आई रियली सपोज टू पे जीएसटी, यानी कि क्या मुझसे ऐसी उम्मीद है मेरी इनकम को देखे हुए, क्या मुझे सच में जीएसटी पे करना चाहिए? सपोज किसके द्वारा? एम आई रियली सपोज बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट टू पे जीएसटी, राइट। तो जब हम सपोज होते हैं, यानी कि वी आर एक्सपेक्टेड बाय समवन, ये छोटे छोटे डाउट है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कि इसको कैसे क्लियर किया जाएगा। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस इसको बोला है, एक्चुअल में 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरीके से हमने इनको सेंटेंस को घुमा फिरा के स्ट्रक्चर किया, जबकि सबका मतलब एक ही है कि सच में जीएसटी पे करूं। ये 300 स्ट्रक्चर्स आपने अगर सीख लिए, 15-20 दिन लगते हैं।
सिचुएशन के हिसाब से आदत में डालने में। तो समझ लीजिए, यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस एनी फीलिंग एनी सिचुएशन इन इंग्लिश विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट ग्रामर। कोई ग्रामर का खेल नहीं, सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का, और सिचुएशन में तुरंत सेंटेंस याद आ जाए। याद कैसे आएगा वो भी मैं आपको बिल्कुल इसी सेशन में बताता हूँ। एक बार एक तरीका और देख लीजिए इसी चीज को कहने का, एम आई रियली लायबल टू पे GST? एम आई रियली लायबल का मतलब होता है कि सच में मेरे को इसकी जरूरत है, यानी कुल मिला के कि मैं इसका दायित्व रखता हूँ कि मुझे करना पड़े। बहुत टेक्निकल वर्ड है, इट इज कॉमनली नॉट यूज इन कॉन्वर्सेशन, राइट? सो एम आई रियली लायबल टू पे GST? गेटिंग माई पॉइंट, एक बार रिवाइज करिए, डू आई रियली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ GST पेयर्स? जो GST पे करते हैं उनकी कैटेगरी में आता भी हूँ। सो डू आई रियली नीड टू पे GST? क्या सच में मुझे GST वगैरह पे करने की जरूरत है या रजिस्टर करने की जरूरत है? आप एक बार पाउज करके रिपीट कर लीजिएगा, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। अब अगर मान के चलिए CNA का है, बिल्कुल आते हैं इस कैटेगरी में, मान के चलिए मैंने उससे कहा डू आई रियली फॉल इन द कैटेगरी, डू आई रियली फॉल इन दिस कैटेगरी दैट आई नीड टू रजिस्टर फॉर GST? इसी सेंटेंस को कम से कम 50 तरीके से बोला जा सकता है। खुशी की बात क्या है, 300 में से ही 50 स्ट्रक्चर्स होंगे, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। 300 तरीके होते हैं सेंटेंस को बनाने के, वो बनाना आ गया आपको तो समझ लीजिए एम्फेसाइज कर पाएंगे एक शब्द पर। जैसे बिल्कुल आते हो, अब ये बिल्कुल आते हो रियली कम नहीं कहने की जरूरत है, आप कहिए यस यू डू, यस यू डू, या फिर कह दीजिए ऑब्वियसली यू डू। मान के चलिए कि आपसे कोई बंदा कहे कि क्या मुझे सच में पार्टी में जाने की जरूरत है, एम आई रियली सपोज टू गो टू द पार्टी? Am I really supposed to go to the party? Am I really required to go to the party? अब आपको कहना या जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल अपने नज़दीकी रिश्तेदारों की शादी है, तो आप नॉर्मल कहेंगे यस यू डू, यस यू डू, यानी कि आपको ज़रूरत है ही है इस काम की। गेटिंग माई पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट एंड, लेकिन मेरी कमाई तो दो लाख रुपये से कम है। जैसे कि बात चल रही है कि GST क्यों पे करूँ, मेरी कमाई तो दो लाख रुपये से कम है, किसी ने उसको बता दिया 2 लाख रुपये कमाई नहीं है तो GST नहीं भरना है। गेटिंग माई पॉइंट, मेरी कमाई तो 2 लाख रुपए से कम है। देखिए कमाई बता रहे हैं कम है, लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है। आप बताइए कितने तरीके से बता सकते हैं कमाई 2 रुपए से कम है? ऐसे कह सकते हैं 2 लाख नहीं कमाता हूं, ऐसे कह सकते हैं 2 लाख से कम है, और भी कई तरीके से कह सकते हैं। आप नॉर्मल कहिए माई इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीज अ मंथ, यानी कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए से कम है महीने की। सो माई इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीज अ मंथ, हर महीने 2 लाख से कम की इनकम है। दूसरे तरीके से बोलिए एक बार इसी चीज को, बट आई नेवर अर्न 2 लाख रुपीज अ मंथ, आई नेवर अर्न, यानी कभी नहीं कमाया मैंने 2 लाख रुपए महीना, तो गेटिंग माय पॉइंट, या फिर आई नेवर अर्न 2 लाख रुपीज अ मंथ। अर्न कह दिया अर्न की जगह, तो कह दिया कि कभी नहीं कमाता हूँ, आई नेवर अर्न 2 लाख रुपीज अ मंथ, ये हर महीने का 2 लाख रुपए कभी नहीं कमाता हूँ। या फिर आप इसी चीज को ऐसे कह दीजिए, आई एम नॉट अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ, आई एम नॉट अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ, यानी कि मैं 2 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे हैं, देखिए समझने का बताने का तात्पर्य क्या है कि जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो ये वर्ड ऑर्डर आपको याद होने लग जाएंगे। अब इसी के बेसिस पे अगर आपको ये कहना है, बड़े यार मैं कभी भी जिम नहीं जाता, आई नेवर गो टू जिम, राइट? I never go to gym. I never earn 2 lakh rupees a month. I never meet him. I never talk in English. जब आपको I के साथ never की आदत पड़ जाएगी कि तुरंत याद आने लगेगा, कुछ भी काम नहीं होता है तो never, right? He never talks to me. He never meets me. तो ये sentences को बोल बोल के word order याद कर लेना होता है। और इसको सीखने का एक मैं best तरीका आपको बताता हूँ, रामबाण इलाज। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। देखिएगा 15-20 सेशन देखेंगे, नेचुरल इंग्लिश समझ में आने लगेगी, ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप दूसरे लोगों की इंग्लिश नहीं सुनेंगे तो ट्रांसलेशन के जाल में फंसे रहेंगे। ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पूरा दिन रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, तो जहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग अपने, एक तो आपको दूसरे लोगों की इंग्लिश सुन के वोकैबुलरी पता चलेगी, अलग अलग तरीके से सेंटेंस लिखता है व्यक्ति, कोई बेसिक ट्रांसलेशन कर देता है, कोई उससे अच्छा जानता है इडियोमेटिकली फॉर्म करता है, एम्फेसाइज करके बोलता है उसी सेंटेंस को, कोई बंदा लिटरल idiom यूज करता है, फ्रेसेस हैं, स्लैंग्स हैं, बहुत सारी चीजें एक सिचुएशन में बोली जा सकती हैं, तो पता चलता है कि एक बात को कितने तरीके से पहुंचाया जा सकता है इंग्लिश में। दूसरा, सिर्फ चैटिंग नहीं करनी है, फोन पे वहां पर आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, और फोन पे जब बात करेंगे तो आपको सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी,
पता चलेगा कि इंस्टेंटली कितने सेंटेंसेस याद आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने भूल रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं याद। गेटिंग माई पॉइंट? अपना लेवल पता चलेगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, सारा गेम एटमोसफियर का है। शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। लोग अपने अपने सवाल पूछते हैं कि भैया मेरे को ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा, या फिर मैंने ये इंग्लिश का सेंटेंस होना ये मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके पीछे ग्रामर क्या है, मैं इस तरीके से बोलना चाह रहा हूं, अगर ऐसे बोल दूंगा तो गलत होगा या सही होगा। तो जब आप कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे डाउट्स को, 15-20 दिन में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, वो डाउट निकालने दिमाग से। आप जब क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चलेगा जो आप सोच रहे थे वो सही था, क्योंकि इसमें सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, गलत होने के 5% चांसेस हैं। बस फेटल ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए आपके सेंटेंस में, सेंसलेस नहीं होना चाहिए, घुमा फिरा के कहा जा सकता है बात को, राइट। तो डिस्कशन में जब बैठेंगे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करिए, कोई कोर्स की लिमिट नहीं है, डाउट क्लियरिंग सेशन है। जबकि आप, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते आप हमारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी हमारी तरफ से होता है, हम दोबारा कोई मंथली फीस नहीं लेते हैं, छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं केवल फ्री बीज को अवॉइड करने के लिए कि भीड़ ना लग जाए, बिल्कुल फ्री वाली। कोई फ्री में आता है तो फिर वो माहौल बिगाड़ता है ग्रुप का, पहले ये फ्री था, अब हमने थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करना शुरू किया लोगों के कहने पर, बताने का तात्पर्य है इतना छोटा अमाउंट है कि बस फ्री वालों से बचा जा सके, बहुत छोटा है। आइएगा लाइव क्लासेस में, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। आपको किसने कहा कि जिसकी कमाई 2 लाख से ज्यादा है केवल वही जीएसटी भरेगा? अब इसमें पता है हो क्या रहा है, आप इसको एक सेंटेंस बिल्कुल मत समझिए, आप इसको तोड़िए, पहले तोड़ तोड़ के बोलिए, इसमें 4 सेंटेंसेस हैं, जब तोड़ लेंगे सिचुएशन, 4 सिचुएशन है इसके अंदर, एक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सरकास्टिकली थोड़ा सा पूछा जा रहा है एम्फेसाइज करके, सिचुएशन बोलेंगे तो बड़े आराम से बोले जाएंगे, आपको किसने कहा, राइट। सिंपल क्या कहेंगे इतने सेंटेंस को, हु टोल्ड यू, आपको किसने कहा, हु टोल्ड यू, दैट लगा दिया ये बात, हु टोल्ड यू दैट ओनली द वंस हु अर्न 2 लाख रुपीज अ मंथ शुड पे जीएसटी। इसको एक सेंटेंस में इस तरीके से बोला गया है, 2-3 बार रिपीट करेंगे, खुद से थोड़ा वर्ड ऑर्डर याद होगा, दोबारा से इसी स्ट्रक्चर को किसी और सिचुएशन में किसी और बात के लिए सुनेंगे, याद हो जाएगा कि इस प्रकार की बात को ऐसे ही कहा जाता है। मान के चलिए एक सेंटेंस बोल करके देखें, तुम्हें क्या लगता है मेरी जेब में कितने पैसे हैं? अब आपको दो क्वेश्चन हिंदी में बोले जा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरी जेब में कितने पैसे हैं, तो तोड़ के बोल सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच मनी इज इन माय पॉकेट, राइट। इस तरीके से आपने कह दिया, या फिर हाउ मच मनी डू यू थिंक इज इन माय पॉकेट, हाउ मच मनी डू यू थिंक इज इन माय पॉकेट। तो जब आपको तोड़ के सेंटेंस बोलना आ गया फिर आपको कनेक्ट करना आ जाएगा, लेकिन अगर सीखने की स्टेज पे हम इसको बिल्कुल इसी लहजे में बोलने की कोशिश करें, उस ग्रामर के पीछे पड़ जाएं, यार ये इसके बाद ऐसा ऐसा क्यों बोला जा रहा है, एक सेंटेंस से नहीं समझना है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई मैथ्स के फॉर्मूले नहीं है कि एक फॉर्मूला हमने सीख लिया तो फिर हर जगह अप्लाई होता रहेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से बोल दिया जाता है, राइट। सो हु टोल्ड यू द वन हू अर्न्स 1 लाख रुपीज अ मंथ शुड पे जीएसटी, राइट। तोड़ तोड़ के सिचुएशन बोल दी है ना, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया है। अब एक दोस्त पे एम्फेसाइज करने के लिए आप कई तरीके से कह सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ने बताया। हिंदी ट्रांसलेशन करें तो हम कभी हिंदी में ऐसे नहीं कहते, बहुत सारे दोस्तों में से एक ने बताया, राइट। लेकिन इंग्लिश में ही कहना बहुत ज्यादा कॉमन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, मेरे एक दोस्त ने बताया, या फिर आप ऐसे कह दीजिए ए फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी, ए फ्रेंड ऑफ माइंड यानी मेरे एक दोस्त ने बताया। तो होगा क्या, अगर हम इनको हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाएंगे, यार अच्छा सा साउंड नहीं कर रहा, हिंदी में नहीं अच्छा साउंड कर रहा है, इंग्लिश में बिल्कुल कॉमन ये वर्ड्स हैं, राइट। मेरे एक दोस्त ने बताया, माई वन फ्रेंड टोल्ड मी, ये चीज इंग्लिश में ऑकवर्ड साउंड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो सेंटेंस जैसे बोला जाना है वैसे ही बोला जाना चाहिए, उसको सीखने के लिए यू नीड टू लिसन टू द इंग्लिश एंड स्पेंड टाइम इन द एटमॉस्फेयर वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहां इंग्लिश बोली जा रही है वहां समय बिताइए, ऑटोमेटिकली सिचुएशनल सेंटेंसेस सुनते रहेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, खुद से कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत उनको मॉडिफाई करके, राइट। तो उसने आपको गलत जानकारी दी है, ही गेव यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आपको उसने गलत जानकारी दी है। जीएसटी इनकम पर नहीं बल्कि हर ट्रांजेक्शन पर लगता है, जीएसटी इनकम पे नहीं लगता, इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी हर ट्रांजेक्शन पे लगता है, चाहे आप कुछ खरीदो उस पर भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा, कुछ बेचो उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, राइट। इनकम क्या है कि मैंने एक महीने में कितने भी पैसे लिए, लास्ट में जो मेरी बचत बची वो मेरी इनकम है, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन जीएसटी हर ट्रांजेक्शन पर लगेगा। अगर आप बिस्कुट का पैकेट लेके आए हैं तो आप जीएसटी
दे के आए हैं, और जिसने बेचा है वो भी जीएसटी देगा गवर्नमेंट को। गेटिंग माय पॉइंट? सो जीएसटी इनकम पर नहीं बल्कि ट्रांजेक्शन पर लगता है, हर ट्रांजेक्शन पर। बल्कि के लिए बट का इस्तेमाल कर लीजिए। सो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इनकम, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इनकम बट एवरी ट्रांजेक्शन। सी जीएसटी इज नॉट अप्लाइड ऑन इनकम बट एवरी ट्रांजेक्शन। तो एप्लीकेबल है, अप्लाइड क्यों कहा जा रहा है? अप्लाइड है लगाया गया है, लगाया जाता है। एप्लीकेबल का भी मतलब वही है, दोनों का ऑलमोस्ट मतलब वही है, लेकिन हम एप्लीकेबल और अप्लाइड के बीच में फंस के रह जाते हैं क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, सुना हुआ नहीं है, अकेले ही हम रूल लगा के सीख रहे हैं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है। तो जीएसटी इज नॉट अप्लाइड टू इनकम बट एवरी ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पर ऑन इनकम जीएसटी इज नॉट अप्लाइड टू इनकम बट एवरी ट्रांजेक्शन, ऑन भी कहा जा सकता है, जीएसटी इज नॉट अप्लाइड ऑन इनकम बट एवरी ट्रांजेक्शन। प्रीपोजिशंस तो इतना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज सिर्फ इसलिए करते हैं, देखिए लॉजिकली सोचिए कंफ्यूजन होता कहाँ है, जहां पर ऑप्शन ज्यादा होते हैं। प्रीपोजिशंस इंटरचेंजेबली सारे के सारे यूज हो जाते हैं, कुछ हैं 10-12 जो अलग तरीके से ही बोले जाएंगे, वरना वो भी सुन के समझ में आएगा, अरे यार ये भी सही है, ये भी सही है, सबको सही है, राइट। सो जीएसटी इज नॉट अप्लाई टू इनकम बट एवरी ट्रांजेक्शन। सिंपल हमने कह दिया कि ये इनकम पे नहीं, हर ट्रांजेक्शन पे लगता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे आप कुछ खरीदो या बेचो आपको हर सेल परचेज पे जीएसटी देना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे दो ऑप्शंस की बात हो रही है, चाहे बैठो या चले जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी के बेसिस पे बनेगा, राइट। चाहे हिंदी में पूछो या इंग्लिश में पूछो, जवाब तो मैं दे ही दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो चाहे खरीदो चाहे बेचो, तो सिचुएशन पकड़िए जहां दो ऑप्शंस हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं, 300 स्ट्रक्चर हैं, ये समझ लिए आपने तो समझ लीजिए इससे ज्यादा होते ही नहीं है, पूरी की पूरी इंग्लिश में या किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे आप कुछ खरीदो या बेचो, हर सेल और परचेज पे जीएसटी देना होता है। सर वेदर, वेदर का इस्तेमाल कर लेंगे, वेदर यू सेल और परचेज समथिंग, वेदर यू सेल और परचेज समथिंग। देखिए यहाँ पर समथिंग लगा रहे हैं एक एक चीज के लिए, एनीथिंग यानी कुछ भी। तो यहाँ पर समथिंग और एनीथिंग इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, लेकिन समथिंग और एनीथिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अलग अलग एग्जांपल लेने पड़ेंगे। तो यही छोटे छोटे कन्फ्यूजन हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, मजा भी आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, और फिर उसको यूज करते टाइम इंग्लिश के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव साउंड भी करते हैं। सो वेदर यू सेल और परचेज समथिंग, यू हैव टू पे जीएसटी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। वेदर यू सेल और परचेज समथिंग, यू हैव टू पे जीएसटी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, राइट। दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, वेदर यू सेल और परचेज समथिंग, यू हैव टू पे जीएसटी एवरी टाइम यू मेक अ ट्रांजेक्शन, हर बार जब भी ट्रांजेक्शन करते हो तभी हर बार देना पड़ता है। सो वेदर यू सेल और परचेज समथिंग, यू हैव टू पे जीएसटी एवरी टाइम यू मेक ए ट्रांजेक्शन, यू मेक ए ट्रांजेक्शन हर बार ट्रांजेक्शन करते हो, यू डू ए ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि तुरंत आपको सुन सुन के समझ में आ जाएगा, यार पेमेंट को मेक किया जाता है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन को भी मेक ही किया जाएगा, आई हैव ऑलरेडी मेड द ट्रांजेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा जब आप सेंटेंसेस को सुनेंगे, तो ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स दूर हो जाएंगे, बताने का तात्पर्य ये है, राइट। तो समझ गया इनकम टैक्स जीएसटी से अलग है, तो अब क्लाइंट समझ गया है कि इनकम टैक्स जीएसटी से अलग है, बिकॉज इनकम टैक्स हम जो कमाई करेंगे महीने के अंत में उस पे देंगे, राइट। लेकिन जीएसटी कब देना है? एवरी टाइम वी मेक अ ट्रांजेक्शन वी नीड टू पे जीएसटी, राइट। एवरी टाइम, हर बार जब भी करेंगे, राइट। वेन एवर वी मेक अ ट्रांजेक्शन वी नीड टू पे जीएसटी, राइट। सो वी नीड टू पे जीएसटी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, तीनों का मतलब है ट्रांजेक्शन पे जीएसटी, तीनों तरीके से कहा आउट ऑफ 300, ये भी तीन स्ट्रक्चर से। तो समझ गया इनकम टैक्स जीएसटी से अलग है। सो आई गॉट यू, आप ऐसे कह सकते हैं आई गॉट यू, जीएसटी इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स, आई गॉट इट, इनकम टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम जीएसटी, राइट। आई गॉट योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, राइट। एक बात को आप कितने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य वही है, सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम समझ गया का आई हैव अंडरस्टूड कहते रहेंगे, और कोई बंदा हमारे सामने कहेगा आई गॉट यू, तो इसका मतलब हमको समझ नहीं आया, उसने मुझे प्राप्त कर लिया, नहीं, आई गॉट यू मतलब आई गॉट योर पॉइंट, बहुत ही कॉलिकल वे है, कैजुअली कह दिया जाता है कॉन्वर्सेशन में, गॉट यू कैजुअली कहा जाता है। ये भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं, देखो इसको इंग्लिश में वैसे मैं कहूंगा भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं, लेकिन इसको आपको बताना पड़ेगा एक्चुअल में, सच में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने प्रकार के जीएसटी हैं भारत में, एक नहीं है, कई तरीके के लगते हैं, स्टेट का अलग है,
सेंटर का अलग है और भी कई सारे हैं। तो भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं, अब लगने का ट्रांसलेशन में ढूंढिए, सिचुएशन बताइए, कितने प्रकार के जीएसटी एप्लीकेबल हैं, उपलब्ध हैं, देने पड़ते हैं। सिचुएशन बताने पे आएंगे तो देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर इन इंडिया, देयर वगैरह सिचुएशन पता ही होगा, बेसिक सा ग्रामर है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर इन इंडिया, देखिए कितने प्रकार के जीएसटीज लगते हैं, नहीं कहेंगे ना यहाँ पे, टाइप्स से हमने प्लूरल की बात कर दी, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी डू वी हैव इन इंडिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी डू वी हैव इन इंडिया, डू वी हैव लगा करके हमने बता दिया। जैसे मान के चलिए क्या आज रमेश जी क्लास में आए हैं, हमको ये पूछना है, क्या मान के चलिए क्लास चल रही है ऑनलाइन, हमको पूछना पड़े आज रमेश जी क्लास में आए हैं, तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, नॉर्मल आप कहिए डू वी हैव रमेश जी हियर इन द क्लास, डू वी हैव रमेश जी इन द क्लास, गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि आपने सिचुएशन बता दी, यू टॉकिंग अबाउट रमेश जी, सिचुएशन रमेश जी की प्रेजेंस पूछ रहे हैं, डू वी हैव रमेश जी हियर, क्या यहाँ पर रमेश जी हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस बोलने हैं, हिंदी के हिसाब से सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, वरना 10% बेसिक बन जाएंगे सेंटेंसेस, लेकिन फीलिंग नहीं जाएगी, इडियोमेटिक सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, इफेक्टिव सेंटेंसेस साउंड नहीं करेंगे। लाइव क्लासेस में आइएगा, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि कितने टाइप के जीएसटी हमें इंडिया में पे करने पड़ते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है इसकी। ओके, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।